हाय गाइस, अगर मैं आप लोगों से 50,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट की बात करूं तो आपको जो है लाइक i3 मिलेगा या फिर मैक्सिमम i5 प्रोसेसर मिलेगा। आप MSI का लैपटॉप देखो या फिर ASUS का देखो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि 50,000 रुपए में एक लैपटॉप मस्त डिजाइन, इंटेल कोर i7 10 जेन और ऊपर से 1 TB की SSD और 16 GB रैम के साथ मिल सकता है? टेक बार पे सब पता लगता है गाइस। तो आज इस लैपटॉप की बात करते हैं जो कि एक बहुत ही अननोन ब्रांड की तरफ से है, एटलीस्ट ये ब्रांड अननोन मेरे लिए था। इसका नाम है एविटा। पूरा नाम तो इसका एविटा लीबर कोर i7 है और सेल में ये जो है मैंने 50,000 रुपए का खरीदा है गाइस। फिलहाल इसका प्राइस 60,000 रुपए है, बट 60,000 रुपए में भी इंटरेस्टिंग वैल्यू है। स्पॉइलर अलर्ट, यहां पर दो बड़ी कमियां मिलती है, वो मैं आगे चल के ढंग से बताऊंगा, उसको मिस मत करना। अगर मैं डिजाइन और बिल्ड की बात करूं तो गाइस पूरी बॉडी एल्यूमिनियम की है ये, और ये सच में एक प्रीमियम लुक दे रहा है। ऊपर से नेवी ब्लू कलर भाई मेरे को बहुत सुंदर लगा, और साथ में गाइस यहां पर गोल्ड के एक्सेंट मिलते हैं, खासकर जो एविटा लिखा हुआ है गोल्ड में है, और पूरा बॉर्डर भी जो है लाइक गोल्डन फिनिश के अंदर आता है। नो डाउट कलर स्कीम इज सो गुड। लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम यहां मिलती है जो मैं स्टार्टिंग में मेंशन कर रहा था ना गाइस, 15 दिन हुए इस लैपटॉप को यूज करते हुए और इसका पेंट उतरना स्टार्ट हो गया है। और हमने जो है एक्स्ट्रा रफ यूसेज नहीं की है, बस ये कि वीडियो जब बन रही थी तो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा होगा लैपटॉप, वीडियो शूट जब होती है ऐसा होता है। बट स्टिल अगर आप इस पे स्किन चढ़ा लेते हो या फिर एल्यूमिनियम बिल्ड की बात करो तो वो खुद में एक बोनस है। और एक प्रीमियम लैपटॉप की पहचान है उसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक हाथ से लिड खुल जाती है जो कि इस लैपटॉप की खुलती है, तो ये एक अच्छी वेट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, प्रीमियम है। इनफैक्ट अगर मैं फ्लेक्स की बात करूँ, स्क्रीन फ्लेक्स की, तो अगर मैं लाइव भी करना चाहूँ ना गाइस, मेरे हिसाब से बहुत कम स्क्रीन फ्लेक्स है। बिल्ड क्वालिटी एक्चुअली में अच्छी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं जो इनके और सस्ते लैपटॉप आते हैं ना वो बदनाम है इनकी ड्यूरेबिलिटी को लेकर। पोर्ट्स की बात करूं तो राइट साइड में जो है यहां पर हमें चार्जिंग स्लॉट मिलता है और साथ में USB 3.0 भी है, और ये जो टाइप सी पोर्ट है ये PD चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, और साथ के साथ ये जो है डिस्प्ले आउटपुट भी कर सकता है, कैपेबिलिटी है। और यहां पर जो है माइक्रो HDMI मिलता है इसके साथ में। ये केबल लकीली मेरे पास थी, बट अजीब सा लगा ये देखकर लैपटॉप में। और लैपटॉप के लेफ्ट साइड में Kensington लॉक है, और यहां पर USB 3.0 एक और मिल जाता है, और यहां पर हेडफोन जैक भी है, और माइक्रो SD का सपोर्ट है। आई विश फुल साइज SDXC मिलता यार काश। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो 14 इंच का गाइस ये, और यहां पर बेजल्स काफी हमें पतले देखने में मिलते हैं इस साइड तो, बट नीचे की तरफ एविटा जहां लिखा है वो थोड़ा सा मोटा चिन्ह है। और आपको बता देता हूं कि ये एक TFT IPS डिस्प्ले है, और 14 इंच बहुत ही स्वीट स्पॉट लगता है। कंटेंट देखने में मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई है। इनफैक्ट कलर्स मैं बोल सकता हूं एवरेज है, ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्पिटिशन से अगर मैं कंपेयर करूं ना तो अच्छी डिस्प्ले है, लेकिन बस एक ही शिकायत है कि आउटडोर विजिबिलिटी मुझे बहुत बुरी लगी है, क्योंकि वहां पर ना ब्राइटनेस इतनी अच्छी नहीं रहती। देखो आपको इंडोर ही काम करना पड़ेगा, कहीं जैसे होता है ना कई लोग फील्ड वर्क के लिए ले लेते हैं जितने भी डिजाइनर होते हैं, नॉट रिकमेंडेड गाइज। बट ये बता सकता हूँ कि जो फुल HD रेजोल्यूशन है या इन जनरल जो डिस्प्ले है काफी ज्यादा अच्छी डाली है, मैट होने की वजह से रिफ्लेक्शंस भी कट कर देती है। एक मस्त चीज दिखाता हूँ, एक बार ना ये उल्टी नॉच देखो, इसके अंदर वेबकैम डाला हुआ है भाई। नो डाउट ये ना सच में क्या ना स्टाइल स्टेटमेंट इसको लाइक बना रहा है। और मैं ये भी बता देता हूँ कि जो यहाँ पर वेबकैम है उसकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी है, सच्ची बता रहा हूँ, नॉइस सी थी। और हाँ इसमें माइक भी है, वैसे माइक तो होते ही है, बट इस वाले एरिया में माइक है। सच बता रहा हूँ, इतने कमाल लैपटॉप ने सजेस्ट करते हुए ना इतना अच्छा इंसान फील हो रहा है, अच्छे इंसान को सब्सक्राइब नहीं करोगे? जब तक मैं इस लैपटॉप को यूज कर रहा था ना, मेरे माइंड में था कहीं पे तो झोल निकलेगा। मैं यहां पर कीबोर्ड टेस्ट कर रहा था गाइस, इतना अच्छा कीबोर्ड है इसका, बहुत अच्छा फीडबैक आता है। इनफैक्ट 1.5 mm का यहाँ पर ट्रेवल है, और इनफैक्ट फ्लेक्स भी नहीं है। अगर मैं जोर लगाता हूँ ना की इस पे तब भी फ्लेक्स नहीं आता। इनफैक्ट बैकलिट भी है यार, ये कैसे पॉसिबल कर रहे हैं? पॉसिबल से याद आया, यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है इसके अंदर, जो कि एक्चुअली में अच्छा काम कर रहा है। और ये तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतना बड़ा ट्रैक पैड यार इसके अंदर। इनफैक्ट यहाँ पर जो है सिल्वर लाइनिंग भी मिल जाती है इसको और प्रीमियम बनाने के लिए। इनफैक्ट परफॉर्मेंस भी अच्छी है इसकी लाइक ट्रैक पैड की, मल्टी जेस्चर सपोर्ट भी करता है, बट ठीक है यार, मतलब अच्छा काम कर रहे है। लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता, जैसे कि इसके स्पीकर जो है 1 watt के है और बॉटम फायरिंग है, और उसमें जो है बेस बिल्कुल मिसिंग है यार। और इस लैपटॉप में जो है Windows 10 डिलीवरी आती है, Windows 11 पे अपग्रेड कर सकते हो। इनफैक्ट ब्लोटवेयर भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ एक ही एंटीवायरस मिलता है बुलगार्ड, वो भी अनइंस्टॉल कर सकते हो, ट्रायल वर्जन था वो। सबसे क्रेजी पार्ट पे आ जाते हैं, वो है परफॉर्मेंस गाइस। यहां पर Intel i7 10 जेन देखने को मिलता है। ध्यान देने वाली बात, यहां पर जो है 4 कोर है और 8 थ्रेड्स है, और 15 watt इसकी TDP है, और क्लॉक स्पीड जो है 1.8 से लेके 4.9 GHz तक की है। और जो 16 GB की रैम है, सुनने में सच में बहुत सही लगता है इस प्राइस सेगमेंट में, लेकिन उसकी क्लॉक स्पीड जो है 2400 MHz है, जो कि स्लाइटली लोअर साइड है। लेकिन 1 TB SSD भाई पूरा पैकेज कंप्लीट करती है, सच्ची में बहुत फास्ट है। उसकी स्पीड टेस्ट दिखाता हूँ, 2100 MBPS के आसपास थे
एक्चुअली में ग्रेट है। और पता है मैंने इस लैपटॉप को खोल दिया और खोलने के बाद पता लगा कि ना ही आप रैम एक्सपेंड कर सकते हो ना ही स्टोरेज, और मेरे हिसाब से आपको एक्सपेंड करने की नीड नहीं पड़ेगी जिस यूसेज के लिए आप इसको लोगे। और एक ही फैन यहाँ पर मिलता है जिसकी हीट डिसिपेशन जो है ना हिंज के नीचे से होती है। और आप लोग के लिए मैंने बहुत क्रेजी टेस्टिंग की है गाइस, मैंने इतने सारे बेंचमार्क रन करे जैसे कि सिनेबेंच का स्कोर देखो, इनफैक्ट मैंने टाइम स्पाई, क्रिस्टल डिस्क मार्क, पीसी मार्क, गीकबेंच जैसे मैंने यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर सारे रन कर दिए थे। और ये जो स्कोर्स है गाइस ये बिल्कुल आप डिसेंट बोल सकते हो। और क्योंकि यहाँ पर 4 कोर वाला प्रोसेसर है तो मुझे लगा एक बार वीडियो एडिटिंग करके देख लेते हैं। मैंने प्रीमियर प्रो में जो है 10 मिनट की फुटेज डाली, उसके ऊपर थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग करी और उस वाली फुटेज को एक्सपोर्ट होने में 18 मिनट लगे जो कि फेयर है। यहाँ पर पता मजे की बात ये है कि इस लैपटॉप में जो है ना डेडिकेटेड जीपीयू नहीं है, बट स्टिल मैंने गेमिंग की। वैसे गेमिंग के लिए है नहीं, बट मैंने GTA 5 इंस्टॉल करी 1080p लो सेटिंग्स में जो है, यहाँ पर हमें 30-40 FPS मिल रहे थे। हल्का सा गेम प्ले देखो। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर वेलोरेंट भी इंस्टॉल किया और जब मैंने खेला तो 1080p लो सेटिंग्स पे ही था, बट उसके जो FPS थे वो 70-120 FPS जा रहा था। हाँ मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है ये लाइक FPS की, बट स्टिल इसमें आप गेमिंग कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और पता है इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये हीटिंग सही मैनेज कर रहा था, जो एक फैन मेंशन किया उसके बाद भी, मतलब इतनी गेमिंग के बाद भी मैं ये नहीं बोल रहा था मेजर हीट हो गया। इनफैक्ट 30 डिग्रीज के आसपास गया था इसका टेम्परेचर, मैंने लाइक मेजर किया था, मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और बैटरी की अगर मैं बात करूं तो 36.7 वाट आवर की इसकी बैटरी है। और मजे की बात 15 दिन यूज करने के बाद मैं आप लोग को बता रहा हूं कि 5 घंटे का यहां पर हमें बैटरी बैकअप मिल जाता है एक लाइट यूसेज पे, लेकिन अगर आप हैवी यूसेज पे जाते हो तो 3.5-3 घंटे मिलता है। मेरे हिसाब से ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार, सच्ची में एक अच्छा बैटरी बैकअप बोला जाता है, जो कि i7 और परफॉर्मेंस वाली चीजें मैंने इसके अंदर करी है। और जैसे कि मैंने बताया था कि PD चार्जिंग भी मिलती है, तो वो भी एक एडिड एडवांटेज है। एक बात जानना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ब्लूटूथ 4.2 है, और जो वाईफाई है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है रेंज के मामले में। यहाँ पर मैं जिसको टेस्ट कर रहा था, हमारे यहाँ पर 1 GBPS का इंटरनेट लगा हुआ है, इतनी स्पीड नहीं आ रही थी इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर 5 GHz और 2.4 GHz दोनों में टेस्ट करा, ये एक ध्यान देने वाली बात है। बट जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि मेजर प्रॉब्लम नंबर 2 यहाँ पर ये है कि एविटा के सर्विस सेंटर दिल्ली जैसी जगह में सिर्फ 2 ही है। तो अगर आप इस लैपटॉप को खरीदने का मूड बनाते हो तो यहाँ पर आपके ऊपर है, अगर आपके एरिया में है इसका सर्विस सेंटर तो गो अहेड यार, बहुत अच्छा लैपटॉप है। लेकिन अगर नहीं है तो शायद हो सकता है कि आपको दिल्ली मुंबई जैसी जगह पे आना पड़े इसका सिर्फ सर्विस कराने के लिए। तो ये एक पॉइंट है जो माइंड में आप लोग को रखना है। तो कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है गाइस, अगर आप 1080p एडिटिंग करना चाहते हो, वो मैंने करके देखी, आप कर सकते हो, ऑब्वियसली रेंडर टाइम मैंने आपको बताया। इनफैक्ट यहाँ पर जो है रैम की जो क्लॉक स्पीड है चाहे वो थोड़ी सी कम है, स्टिल ये परफॉर्मेंस बहुत सही ला कर दे रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, जैसे कि फंक्शन लेकर आता है चाहे वो डिजाइन हो, डिस्प्ले, इनफैक्ट जैसा कीबोर्ड है, ट्रैकपैड है, उस सबको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि कंपटीशन के मुकाबले में ये 2-3 स्टेप आगे है। और मैं हैरान हूं कि ये कंपनी इतनी पॉपुलर कैसे नहीं है। और मुझे तो ये भी याद है कि इनके कुछ रिव्यूज थे जो कि बहुत नेगेटिव थे इनके सस्ते लैपटॉप पे और ड्यूरेबिलिटी इशू बताते थे। एटलीस्ट इस 50,000 का लैपटॉप जो मैंने खरीदा है उसमें तो ऐसे इशूज नहीं है, मेरे को तो इसने सरप्राइज कर दिया। मुझे लगा मैं आप लोग को बताऊं और आप लोग को भी रिकमेंड करूं, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। आप लोग को मैं एक छोटा सा काम दे रहा हूं, मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में ना गूगल फॉर्म की लिंक डाल रहा हूं, अगर आपको भी ऐसा डिवाइस दिखता है जो बहुत सस्ते प्राइस पे क्रेजी वैल्यू दे रहा है, आप उस गूगल फॉर्म पे उसकी लिंक डाल देना। और या फिर अगर छोटे से छोटा गैजेट ही क्यों ना हो, मेरे को सब आप रिकमेंड करना। इनफैक्ट मैं आप लोगों को जो हूं शाउट आउट भी दूंगा अगर आपका गैजेट मैं वीडियो में दिखाऊंगा तो ये काम जरूर कर लो, अभी के भी डिस्क्रिप्शन चेक करो। और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए यहां पर और यहां पर क्लिक करो गाइस, सपोर्ट करो टेक बार आर्मी को सब्सक्राइब करके। खैर अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।